हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एडमिक्स में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्यों कराई जाती है, इसके बेनिफिट क्या है, शेड्यूल क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक पपी लेके आते हो या फिर बाय करते हो तो थोड़े टाइम बाद उसको वैक्सीनेशन ज़रूर से लगवानी पड़ती है। साथ साथ में जैसे उसकी एज होती है, अगर आपके पास एडल्ट डॉग है या फिर उसकी एज 2 या 3 साल की हो तो भी आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। तो ये क्यों करवाना पड़ता है और इसके क्या क्या फ़ायदे है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ऐसा पता होता है कि वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीनेशन क्यों लगवाया जाता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन अभी तक अपना जो है कंप्लीट नहीं कराते। पपी लेके आते हैं बट वो बहुत टाइम हो जाने के बाद 3 महीने 4 महीने हो गए तो भी वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो ये गलत बात है। डॉग को ज़रूर से आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। वैक्सीनेशन आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका डॉग जो 45 डेज़ का ऊपर नहीं होता तब तक आपको उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाना। बहुत सारे मार्केट में ऐसे इंजेक्शन वैक्सीन आती है जो 1 मंथ के लिए आती है, बट वो कुछ खास पपीज़ के लिए ही आती है, वो आप सभी पपी के लिए ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो उसका रिएक्शन उल्टा हो सकता है, आपको पपी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डॉक्टर बोलता भी है तो आप एटलीस्ट 45 डेज़ के बाद उनके पास जाके वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। वैक्सीन करवाने से आपके डॉग को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि डिस्टेंपर हो सकता है, पार्वो वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है। ये कोरोना वायरस डॉग के लिए पहले ही आ चुका है तो इसकी जो रस्सी है वो भी निकल गई, इसका वैक्सीनेशन भी निकल गया है, तो आप जाके ये भी डॉग को लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ 7-in-1, 9-in-1, 8-in-1 ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन और वैक्सीन लगती है, बट वो आप डॉक्टर के रिकमेंडेड, आप अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो ही आप उसे लगवाएं। और कभी भी वैक्सीनेशन करवाते हो तो एक फाइल ज़रूर से तैयार करके रखिएगा ताकि उसमें सारी डिटेल लिखी हो कि कौन सा वैक्सीन डॉग को लग चुका है और कब आगे लगवाना है। तो वो लगवाने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कब ड्यू हो रहा है या फिर कब आपको वैक्सीनेशन फिर से लगवानी है, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसलिए कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास या फिर किसी भी पेट शॉप के पास से आप वैक्सीन लगाते हो तो एटलीस्ट उसके एक डायरी ज़रूर लीजिएगा या फिर एक हेल्थ कार्ड आता है वो आप ज़रूर से मांगिएगा ताकि आपके डॉग के बारे में वहाँ पे सब कुछ पता हो। और गाइस, बता दूँ आपको, स्टार्टिंग में आपके पपीज़ को 3 या 4 वैक्सीनेशन लगते हैं जो कि आपकी पपी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर आप सोचोगे कि हर साल ऐसे ही उसको 3 या 4 इंजेक्शन देने पड़ेंगे तो डॉग को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में आपको 3 या 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। उसके बाद जैसे आपका डॉग जो है एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको जो है उसको एक ही इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है, फिर आपको 2 या 3 इंजेक्शन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब जब तक जो उसका पपी होता है, पपी एज होती है, तब आपको 3 इंजेक्शन लगवाना कंपलसरी है। और गाइस, मेरे डॉग की वैक्सीनेशन भी मैंने की है, उसका वीडियो भी अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नया नया पपी होता है पर वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो उसके कारण डॉग आपका बीमार हो सकता है, आगे जाके जो उसकी क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है और जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो भी कम हो सकती है आपके पपीज़ की। इसलिए आप वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम ज़रूर कराएं। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कंपलसरी है वैक्सीनेशन करवाना, तो हाँ कंपलसरी है वैक्सीनेशन करवाना, आपको करनी ही चाहिए। हर एक डॉग ब्रीडर को या फिर डॉग को अगर आप पालते या फिर आपके पास रखते हो या फिर डॉग शॉप वाले भी अपने पास रखते हैं तो उनका वैक्सीनेशन वो करते हैं ज़रूर। वो करवाने से बहुत सारा पपीज़ को भी बेनिफिट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक भी ध्यान रखनी, जैसे कि आपका पपी हो या फिर आपका जो एडल्ट डॉग है वो काट लेता है, कभी कभार आपको काटता है या फिर खेलते खेलते उसके नाखून लग जाते तो उसके कारण आपको एलर्जी हो सकती है, फिर इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है आपको। तो उसके कारण क्या होता है कि पपी कभी कभार बाइट करते करते आपके मुंह पे लग जाता है, हाथ पे काट लेता है या फिर छोटे बच्चे उसको काट लेता है, तो उनको भी इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। इसलिए आप अगर वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराते हो, रेबीज का इंजेक्शन लगा लेते हो, तो फिर अगर आपका पपी या फिर डॉग है जो काट भी लेता है किसको, तो आप बता सकते हो कि इसको इंजेक्शन लग चुके हैं। वो जो हेल्थ कार्ड मैंने बताया वो भी आपको प्रूफ के तौर पर आप बता सकते हो कि ये रहा इसको इंजेक्शन ये सारे लग गए, तो आगे वाले बंदे को भी इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि डॉक्टर की राय तो जरूर आपको लेना चाहिए, बट इतना डेंजर नहीं होगा जितना अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते, वो काट लेता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है सामने वाले बंदे को। इसलिए कभी भी वैक्सीनेशन आप जरूर कराएं। तो गाइस, वैक्सीनेशन के ऊपर अगर आपको चाहिए कि कितने दिन बाद आपको देना है, प्रॉपरली क्या प्राइस होती है उसकी, क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, और भी ज़्यादा डीप में आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। प्रॉपरली क्या क्या प्राइस होता है, क्या नहीं, एडल्ट डॉग का जो है इंजेक्शन का क्या प्राइस होता है, क्या नहीं, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।